नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में की आम सभा। कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। शिवराज सिंह ने कहा, ट्रांसफर में की गई है लाखों की कमाई, पूरी प्लानिंग के साथ अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। पंडित रमाकांत भार्गव के लिए वोट मांगे। सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और क्षेत्र की जनता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनने पहुंचे। किसान के खाते में डालने के लिए सूची नहीं भेजी, क्या बिगड़ जाता तुम्हें? अगर गरीब किसान को 6,000 रुपए मिल जाते, घोटाले आसमान में, घोटाले पाताल में, घोटाले हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, के कहा बिल्ली हो जा, चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन कुत्ता बिल्ली पे दौड़ा तो फिर बाबा ने कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और बिल्ली पे छिड़क के कहा कुत्ता हो जा, तो बिल्ली कुत्ता बन गई। धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के उन्हें चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया। कर्जा माफी हो रहा, भ्रामक प्रचार कर रहे, इधर उधर की बात मत करो, जो वचन दिया उनको पूरा करो, प्रदेश को आकर भ्रष्टाचार में मत डुबो, चारों तरफ त्राही त्राही मत मचाओ, जनता की सेवा करो, हम पे आरोप मत लगाओ। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टर कर्मचारी संघ की नवनिर्वाचित जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष सुशील कुमार त्रिपाठी ने समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह में हुए शपथ ग्रहण समारोह में प्रांतीय सदस्य गजेंद्र पाल सिंह चौहान, मंत्री जान विमल सक्सेना, मंडली मंत्री नवल सक्सेना, जिला अध्यक्ष सोहन लाल, क्रीड़ा मंत्री धर्मेंद्र कुमार को शपथ दिलाई। इसके अलावा संजय कुमार वर्मा, ज्वाला प्रसाद गंगवार, हरप्रीत मुनीराज, अहमद दीपक अग्रवाल, रामपाल महेंद्र सिंह, सुशोभित सक्सेना आदि लोग उपस्थित रहे। 30 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी से, 30 मार्च 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, उन्होंने कहा था कि ये सब हम 1 महीने में लागू करा सकते, लेकिन वो आज तक अभी लागू नहीं हो पाया। हम लोगों को जानकारी मिली, कभी हमारी ये मांग कैबिनेट को जानी है, अगर आचार संहिता लागू हो, तो आज हम लोग इस बात के भी व्यापक रणनीति तैयार करेंगे कि 23 मई को आचार संहिता खत्म हो रही है और उसके तत्काल बाद हमारे पूरे प्रदेश की किसी एक स्थान पर, किसी एक जनपद पर बैठक होगी और जिसमें सरकार के विरुद्ध जो हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन की रूपरेखा की शुरुआत आज हम लोग यहाँ से करेंगे और इसका माह जून के प्रथम सप्ताह में या द्वितीय सप्ताह में बैठक करके हम लोग एक आंदोलन की घोषणा करेंगे। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के खमरिया पंडरी निवासी महिला व उसके पति ने पुलिस अधीक्षक पीलीभीत मनोज सोनकर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला ने बताया कि उसका पति व महिला स्वयं खान बिक्र फील्ड शहर रामऊ उत्तरी पर मजदूरी करते हैं। आरोप है कि भट्टा मालिक मजदूरों की पत्नियों के साथ छेड़छाड़ करता था, आए दिन बुरी नियत रखता था, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगता था। आज उन्होंने अपने पति से भट्टा मालिक व मुंशी की शिकायत की, जिस पर भट्टा मालिक ने उसके पति से गाली गलौज कर मारपीट की और मजदूरी भी नहीं दी तथा भट्टे से भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है। पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। पर से भट्टे पे आके छेड़ता भी था मुंशी और कहता था कि कहना मत किसी से, और छेड़ता था हम लोग को बहुत ज्यादा, और हम लोग रोते थे, हम लोग डांटते भी थे, हम लोग कहते थे अपने पति से कह देंगे, फिर भी मानते नहीं थे, कहते थे पति से कहोगे तो तुम्हारे पति को पैसे नहीं देंगे, तुम्हारे पति को भी मारेंगे, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कहते थे। ये जाकिर नामक व्यक्ति ने आज प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। उसका आरोप था कि भट्टा मालिक ने मुझसे और मेरी महिलाओं से अभद्रता की तथा साथ ही साथ जो मजदूरी दे थी, लगभग 5 लाख रुपए मजदूरी होती है, वो मुझे नहीं दी गई है। थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि मौके पर जाएं, इसका परीक्षण करें, जांच करें और मजदूरी क्यों नहीं दी है, नियमानुसार उनका रजिस्टर चेक करके उनको मजदूरी दिलाई जाए और अन्य कोई कार्रवाई की गई है जो गलत है तो उस पर भी लीगल एक्शन लें। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।